उसके तीन मेजर पार्ट हैं। उसके अंदर डिस्टिंग हेड मौजूद है मस्कुलर फुट है देशो बायोलेट्रल सिमेट्री इनकी जो बॉडी है उनको दो बराबर हिस्सों में एक ही प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं शेल मे बी एक्सटर्नल इंटरनल और एब्सेंट इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बाहर शेल मौजूद है बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर शेल इंटरनल है बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर शेल एक्सटर्नल है और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें शेल है जो इसकी एडवांस फॉर्म है जैसा कि ऑक्टोपस लोलिगो इनके अंदर शेल नहीं होता इट इज इजेड बाय मेंटल एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट से शेल की बनावट है अब अगर हम इस फ़ाइलम के अंदर सिलोम की बात करें तो सिलोम जनरली रिड्यूस्ड इनके अंदर सिलोम मौजूद है और ट्रू सिलोम है है लेकिन इस ये रिड्यूस्ड इट रिस्ट्रिक्टेड टू टू द एंड एंड स्मॉल किडनी जैसे बाकी फाइलम के अंदर हमने देखी वहां पे जो थी, उसके मुकाबले में इनके अंदर रिड्यूस हो चुकी है दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है दे हैव ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम ब्लड इज ब्लू ड्यू टू कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट वन कॉल्ड हिमोसाइनिन ये जो हिमोसाइनिन है इसकी वजह से इनका जो कलर है उस वो ब्लड का बनता है ब्लू उसके बाद इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं गिल्स मौजूद हैं उसके बाद अगर हम स्क्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके अंदर जो पेयर्स ऑफ किडनीस मौजूद हैं उसके अलावा इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं लेकिन कुछ इसके अंदर स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि हर्मा प्रोडाइट है अब इनके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं इसकी जो सबसे एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर ऑक्टोप लॉलीगो क्विड आते हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है वो काफी डेवलप होता है और जो phylum, है, इनके अंदर जो फुट है वो स्पेशलाइज्ड होता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन उसके अलावा इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको रोड्यूला कहते हैं मौजूद होता है जिसकी मदद से ये जो प्लांट मैटर है उसको छोटे छोटे पीसिस के अंदर तकसीम कर सकते हैं उसके अलावा इनकी जो बॉडी है उनके तीन मेन पार्ट होते हैं ये बाइलेट्रोल सिमेट्रिकल है ये ट्रिप्लो हैं, है ये सीलोमेट है लेकिन इनकी जो सिलोम है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है